बड़ी खबर बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच आसमान में जंग तेज हो चुकी है। जी हां, दोनों देशों के फाइटर जेट की बारूदी वर्षा लगातार जारी है। यूक्रेन हमले में रूसी फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने सुखोई 25 को किया है ढेर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम लगातार कि किस तरीके से अब आप एरियल या फिर आप कह सकते हैं कि आसमानी तबाही एक दूसरे पर मचाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों देश, और यूक्रेन ने सुखोई 25 को ढेर कर दिया है। और ये अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें कि यूक्रेन ने खार्कीव का बदला भी लिया है। जहां यूक्रेन का बेलग्रोड में बारूदी प्रहार भी देखने को मिला है। यूक्रेन ने बेलग्रोड पर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन हमले में बेलग्रोड में भारी तबाही भी देखने को मिली है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस हमले में घायल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन हमला किया है यूक्रेन ने बेलग्रोड में, और जिसमें कई लोग 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी है। तो आप देखिए, एक तरफ रूस लगातार हमला कर रहा है यूक्रेन में, वहीं रूस के अंदर घुसकर भी यूक्रेन के ऐसे हमले को अंजाम दे रहा है। बेलग्रोड पर हमला किया गया, खार्किव का बदला लिया गया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने पूरी रात बेलग्रोड पर ड्रोन अटैक किया। बेलग्रोड के कई गांव पर आर्टिलरी से गोले दागे गए। ऑक्टेरा बस्की बस्ती और बोरिसोवका गांव पर अटैक किया गया। तबाही कैसे मची यह भी आप जरा देखिए। 2 स्कूल बर्बाद हो गए, कई इमारतें ध्वस्त हो गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा घायल हो गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जरूरी बात आप समझ लीजिए, खार्किव से ध्यान भटकाने के लिए बेलग्रोड निशाना बनाया गया। खार्किव को कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन की रणनीति यह साफ नजर आ रही है कि रूस के अंदर घुसकर हमला किया जाए। रूसी सेना को खार्किव से बेलग्रोड लाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर डोनेस्क से आ रही है। डोनेस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रोबोटाइन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। जहां यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर गिराए हैं ग्रेनेड। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक तबाह हो गए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हर तरफ लगातार ये दोनों देशों के बीच जंग और ज्यादा भयानक और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमीनी स्तर पर भी लगातार दोनों देशों के बीच भीषण जंग हो रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। रूस ने बॉम्बर TU-95 को यूक्रेन भेजा है। खार्किव में बड़े हवाई हमले की अब आशंका है। ये तस्वीरें आपके सामने, TU-95 जो कि न्यूक्लियर अटैक में भी सक्षम है, अब इसे भेजा गया है। रूस ने TU-95 यूक्रेन भेज दिया है। क्या मंशा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। और देखिए, आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार कितना घातक है ये TU-95। खास फीचर क्या है इसके, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए किस तरीके से हम आपको 4 ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये करीबन 33,000 पाउंड वजन की मिसाइलों से लैस रहता है और इसकी स्पीड 935 किलोमीटर घंटा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर करुणा की, जो इसकी रेंज है, जो इसके लगातार पेलोड है, बहुत ज्यादा विध्वंसक है करुणा ये। बिल्कुल। और देखिए, रूस के पास आखिर कितने TU-95 हैं, ये भी आप जान लीजिए। 500 की संख्या में TU-95 बॉम्बर्स हैं। कब से एक्टिव है ये, 1952 से TU-95 रूस के पास ही एक्टिव है। शरदेंदु सर, सवाल ये है कि आखिर इस उड़ान का मतलब क्या है, रूस यूक्रेन क्यों भेज रहा है ऐसे विमान को जो कि परमाणु अटैक भी कर सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार यही बात कही जा रही है और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी तमाम लोग शामिल हैं। शुरदेंदु सर, देखिए ऐसा लगता है कि रूस अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है, ये जंग उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां अब रूस लगातार यूक्रेन को लीड कर रहा है या फिर इस जंग को लीड कर रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार कभी वो नॉर्थ के एरिया में अटैक करता है, कभी वो साउथ में अटैक करता है और एक तरीके का कन्फ्यूजन फैलाना चाहता है यूक्रेन की फोर्सेज में। देखिए, जिस तरीके से TU-95 ने उड़ान भरी है, ये तो क्लियर कट दिखाता है कि खार्किव और उसके आसपास के इलाके में टोटल विध्वंसक लड़ाई होने जा रही है। और तमाम तरीके के जो बॉम्ब्स हैं, जो डिफरेंट पेलोड के हो सकते हैं, 2000 पाउंडर हो, 3000 पाउंडर हो, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये देखिए स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी कैपेबल है। ट्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो आप ग्राउंड फोर्सेज द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन आपको कहीं डिलीवर करना है तो उसको एक हैवी पेलोड की जरूरत होती है और ये TU-95 इसके लिए कैपेबल है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तमाम तरीके से यूके ने यूक्रेन को एश्योरेंस दिया था कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई करेगा। बिल्कुल, और ये भी बात चल रही है कि F-16। देखिए सर, यही तो बात है कि लगातार रूस जो है, अब हमने सारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या फिर आप कह सकते हैं टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल भी कर रहा है।